उज्जैन में सिंहस्थ मेले के दौरान हुए हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। परिजनों को 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख रुपए बीमा के रूप में मिलेंगे, लिहाजा मृतकों के परिजनों को कुल 7 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री उज्जैन की कृषि मंडी में रात गुजार रहे श्रद्धालुओं से भी मिले और उनका हालचाल जाना। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 90 लोग घायल हैं। रास्ते भर संपर्क में था, लगातार प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, संबंधित अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। अब सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुचारू कर ली है। टेंट खड़े करने का काम भी युद्ध स्तर पर सुबह प्रारंभ हो जाएगा। घाटों की सफाई हो चुकी है। जो आवश्यक व्यवस्थाएं करनी थी सारी घायलों के इलाज की, वो व्यवस्था करने की भी कोशिश की है। बाकी विद्युत व्यवस्था और बाकी जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। पूरा अमला लगा हुआ है सारी व्यवस्थाओं को और सुचारू करने में। रुद्रसागर में पानी भरा था, वो पानी भी निकाल दिया गया है। चूरी डाल के उसको सुखाने का काम भी होगा। और मंगलनाथ क्षेत्र में विशेषकर जो टेंट गिरे हैं युद्ध स्तर पर उनको खड़ा करेंगे। भोजन की व्यवस्था, मैं उज्जैन की जनता को बहुत धन्यवाद दूंगा, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दूंगा। युद्ध स्तर पर मंडी क्षेत्र में भी भोजन की व्यवस्था चल रही है। हमारे सब संतों को धन्यवाद दूंगा। अखाड़े भी खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। अन्य क्षेत्र चल रहा है और सरकार का भी संकल्प है कि अन्न की कमी नहीं होगी। आटे से लेकर और चावल तक जो भी आवश्यक व्यवस्थाएँ वो हम युद्ध स्तर पर करेंगे। गिरे टेंट फिर खड़ा करेंगे। एक बड़े हिस्से में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ भी जो थोड़ी सी दिक्कत हुई है उस दिक्कत को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सारी व्यवस्थाएं सुचारू है। रामघाट पर आप देखेंगे स्नान चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रहा है, पानी का स्तर बहुत अच्छा है, VOD 3 के नीचे है। और इसलिए हमने भरसक कोशिश की कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, बहाल हो जाएं। मैं एक राउंड लगा के खुद भी एक बार सारी व्यवस्थाएं देखूंगा। प्रभारी मंत्री जी यहाँ पे हैं ही और ऑफिसर्स की सब टीम लगी हुई है, साधु संत लगे हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं और यहाँ की जनता सेवा में लगे। अभी तक जो जानकारी है, एक बहन की बिजली गिरने से मौत हुई, होमगार्ड के जवान और 4 श्रद्धालु, कुल मिला के 7 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, स्वर्गवास हुआ है। कुछ राहत के लिए आपने बताया? मैंने रास्ते से ही कह दिया था 5 लाख रुपया जो जिनका स्वर्गवास हुआ है उनके आश्रितों के परिवार के लिए, आश्रितों के लिए 2 लाख रुपए बीमा की राशि अलग मिलेगी, क्योंकि 2-2 लाख रुपए का बीमा हम लोगों ने करवाया था, तो लगभग 7 लाख रुपए की राशि मिलेगी। जो घायल है गंभीर रूप से 50,000 रुपए की राशि तत्काल उनको दी गई है। इलाज निःशुल्क होगा ही इस राशि के अतिरिक्त, बाकी को 10,000 रुपए की राशि देने का फैसला किया है। चिकित्सा पूरी निःशुल्क होगी, दवाइयाँ पूरी निःशुल्क होगी। धन कोई मुद्दा नहीं है, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसी व्यवस्था करेंगे।